और जब आपकी ट्रेन की अनाउंसमेंट होती है तो एक हीरोइक फीलिंग कि वाह मेरा ट्रेन है। सो व्हाट्स अप गाइस, तो आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे पूरी जर्नी जो रहेगी कोलकाता से दुबई तक की। आप सब जानते हैं कि मैं दुबई में पढ़ने आया हूँ, लेकिन उसके साथ साथ उसके पहले मैं आपको घुमाऊंगा दुबई और अबू धाबी के कुछ अट्रैक्शंस। सो बने रहिए हमारे साथ। अरे जरा संभालो भाई, इतनी महंगी गाड़ी गिर गई तो क्या होगा। सो फैमिली को अलविदा कहा 7 दिन उनके साथ दुबई घूमने के बाद, और फिर मैंने चेक इन किया अपने रूम पे जहाँ मैं रहता हूँ दुबई में। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कोलकाता से मैंने जर्नी कैसे स्टार्ट की। कोई भी एयरपोर्ट जाओ, अपना हावड़ा स्टेशन ज़्यादा कोई स्टेशन नहीं है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एमिटी दुबई में MBA परसू कर रहा हूँ, और आगे के वीडियोज़ में मैं बताऊँगा कैसे अप्लाई करना है, वीज़ा का प्रोसीजर क्या है, उसका एक सेपरेट वीडियो आएगा, लेकिन आएगा जरूर। अरे भाई जो शायद ओके गाइस, तो अभी आए हैं बैगेज अलाउंस से बचने के लिए। एक एम्प्लॉई को भेजना पड़ रहा है ऑल द वे टू मुंबई। बाय द वे यहाँ से मुंबई का फ़्लाइट है, उसके 2 दिन बाद मुंबई से दुबई तक का फ़्लाइट है, एंड 1 दिन बाद बस मैं निकल रहा हूँ अपना घर छोड़ के। आई एम रियली इमोशनल एट दिस थॉट, बट निशांत इज़ नॉट इमोशनल क्योंकि वो व्लॉग में आए। निशांत व्लॉग आज बात हो जा रहे हैं शर्मा की। ड्राइवर जी आपको बोलना है 2 शब्द। एम्प्लॉई इज़ ए नाइस जेंटलमैन, वो बैग वैग ठीक कर रहे सब। सो उनको आप उनका अगर YouTube चैनल वो फ्यूचर में खोले, हंस क्यों रहा है, अगर वो YouTube चैनल फ्यूचर में खोले तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कौन है क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो हेल्प कर रहे हैं हमें लगेज पहुंचाने में। मैंने उनका टिकट अच्छा बनवाया है, क्योंकि देखिए ट्रेन में आप 100 किलो तक भी लेके जा सकते हैं, बट फ्लाइट में मीन बॉम्बे टू दुबई 30 किलोज पर पर्सन, बट कैलकुलेट टू बॉम्बे इज जस्ट 15। चलिए आप भी चलिए छोड़ने, छोड़िएगा, काश ट्रेन दुबई तक जाता हा? क्या होता अरे कुली साहब क्या हुआ। नहीं नहीं ये एक्स कुली है ना, तो उनको सब पता। एक्स कुली अगर समझ में आएगा क्या, एक्स कुली बोल रहा है, पुराना कुली है, पुराना कुली। अरे भाई ठीक है स्टाइलिंग का। अरे भाई जी सो आई डोंट नो कैमरा कॉन्शियस हड़बड़ी, अभी ट्रेन को बहुत टाइम है, लेकिन फिर भी ये लोग बंद करो, लॉगिंग अलाउड नहीं है। वहाँ है वो, यहाँ है ये, यहाँ हूँ मैं, मेरे पीछे है आइकॉनिक ड्राइवर जी, नहीं मिलेगा देख ले। हम अभी भी नेशनल एंथम गा सकता है पूरा। तो जो एम्प्लॉई है वो हमें दिखाना चाहते हैं कि उनको बहुत आइडिया है स्टेशन का, तो बहुत आगे निकल चुके, अब पता नहीं कहाँ पे चले गए वो। सो स्टेशन क्या लग, कहाँ चले गए थे आप, इंक्वायरी से पूछ रहे थे। इंक्वायरी क्या बोला, इंक्वायरी पूरी का ट्रिप याद आ रहा है, रिमेंबर वो है ट्रिप। लेकिन भाई एक बात तो है, जो मज़ा ट्रेन में है फ्लाइट में ठीक है, मतलब कंफर्टेबल ट्रेन स्ट्रेन। एक PNR में 6 लोग, एक टिकट में 6 लोग होते हैं, तो उससे ज़्यादा है तो अगर आप इधर उधर स्प्लिट हो जाएंगे उतना मज़ा नहीं आएगा। तो गाइज दोस्त गाइज वर कूलीज यूनिफॉर्म में, ड्राइवर जी क्या बोले आप बोलिए, सब कूली लोग ड्रेस में नहीं रहता है यूनिफॉर्म में, वो लोग अलाउड अंदर घुसने नहीं देता। कूली ड्रेस में नहीं है अंदर पूरा सब प्रोफेशनल लोग को लेके आया। तो अगर आप ट्रैवलर को छोड़ने जा रहे हैं अंदर, आपको हावड़ा स्टेशन में 10 रुपये ना 10 रुपये देना पड़ता है प्लेटफॉर्म टिकट। दिखाने तो लाइन लगा सके उनको, लंबा लाइन, उनको लंबा लाइन पसंद है तो उनको क्या है, क्यों क्यों लंबा लाइन क्यों लगाएगा। ट्रेन की अनाउंसमेंट होती है तो आपको लगता है हीरोइक फीलिंग कि वाह मेरा ट्रेन है। द स्टेशन इज वेरी क्राउडेड, वेरी वेरी क्राउडेड। मुझसे क्यों पूछा कि ट्रेन का कलर उसका कलर टी शर्ट का कलर सेम था इसीलिए। जिनको हम छोड़ने आए थोड़े अजीब है, वो आगे आगे भागे जा रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको स्टेशन का सब पता है। हम लोग वेट कर रहे हैं, उनको फ़ोन करेंगे। B6 है, अबे कहाँ है भाई, अजीब ही है। तो अपना बर्थडे ट्रीट लेके चल रहे हैं ना आज, नहीं आए जोमेटो गोल्ड है, सो सॉरी जोमेटो गोल्ड है बेटा, देना पड़ेगा। यहाँ से कुछ खाना है भाई, तो कुछ खाएगा भाई। ओ ओनली हाइजीन, लुक एट हिज हाइजीन। ट्रेन आ गया, ट्रेन आ गया। ओ रियली यू रिस्पेक्ट, प्लीज गो टू इंस्टाग्राम एंड फॉलो हिम इफ यू आर फॉलोइंग हिम। ए ये मत डाल। बहुत दूर है यार भाई, वो पहले बोलता तो हम लोग 6 घंटे पहुंच जाता ना। वो हम तो अभी भी बोल रहा क्योंकि एडिटिंग मेरे हाथ में। अमेजिंग ट्रेन इनसाइड द ट्रेन।
ट्रेन। क्या चिल्ड एसी है भाई, वाओ मैन, फील्स लाइक दार्जिलिंग। और वेलकम टू दार्जिलिंग गाइस। तो पहला हाथ धोने दे भाई, टॉयलेट कर लेगा इसमें क्या? इसमें भी केस है, लॉ है, लॉ है। बस फोन मत गिरा। वेस्टर्न स्टाइल नॉर्मल वाला खा भाई। टॉयलेट्स आर क्लीन, ओ माय गॉड। ओ भाई टॉयलेट का लाइटिंग जो है, टॉयलेट का लाइटिंग अमेजिंग है। एक फ्लॉ जो था ट्रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन वॉज रियली क्लीन, क्योंकि आई थिंक ये सफ़र जो है 38 आवर्स का है यहाँ से, आई थिंक इसीलिए ट्रेन क्लीन है, बट बहुत क्लीन था। टॉयलेट वॉज ऑल्सो क्लीन, पूरा लिक्विड सो भरा हुआ पड़ा था, पानी भी अच्छा था, इट वॉज गुड। एंड एसी वॉज अमेजिंग, लाइक एकदम चिल्ड एसी, मज़ेदार एसी। बट एक खराबी क्या हो गया, लगेज हमने इतना ज़्यादा लोड कर दिया उस पर, कि लगेज ज़्यादा लोड करने के चक्कर में आसपास के जो पैसेंजर्स थे वो देवर लाइक व्हाट इज हैपनिंग, कि पूरा मतलब क्या, कैसा था पैसेंजर्स का रिएक्शन? हाँ, एक जन छः बैग्स, एक जन छः, छः नहीं तीन, लेकिन हाँ छः के बराबर है ना, छः के बराबर, छः के बराबर। ड्राइवर जी कहाँ है? उस टाइम वो एटीट्यूड दिखा रहे थे, अभी ड्राइवर जी एटीट्यूड दिखा रहे हैं भाई। हम लोग एटीट्यूड पता है गाड़ी का, चलो। हाँ ये बात तो है। सो गाइज ये था स्टेशन का सफर। बिना बैग्स का लाइफ इतना अच्छा लगता है ना भाई, बहुत सॉलिड है यार। लेट मी ट्राई दिस, लेट मी ट्राई दिस, गुड। फाइव में कितना देंगे आप? 5 out of 4, 5 out of 4, 4 out of 5, sorry. Guys, I'm really emotional at the moment because this is probably the last vlog with Nishant. इससे आगे आप vlog में शायद Nishant को देखे ना देखे, unless Nishant comes to Dubai. So, it has been a wonderful journey so far. YouTube करते करते, YouTube पे सबसे ज़्यादा आपने इसी को देखा होगा, और भी दो तीन लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं, तो प्रॉब्ली लास्ट आप देखेंगे सब लोग को, लेकिन मैं तो रहूँगा ही आपके सामने हमेशा। वेरी बैड एट शोइंग माई इमोशंस, बट आई होप आप सब समझते ही है कि क्या होता है भाईचारा, क्या होता है व्लॉग चारा, क्या होता है यूट्यूब चारा। सो लेट्स एंड दिस ऑन अ गुड नोट एंड वील सी यू सून। कब मिलेगा वापस बता दे। यूएस जनवरी, जनवरी दुबई हट भाई, होस्टल मोमेंट तो है गाइस। बट वन डे बचा हुआ, एक दिन और, एक दिन और, एक दिन है। कोशिश करेंगे अगला दिन व्लॉग शूट करने का। सो बाकी लोग, हम लोग इमोशनल है, बाकी लोग को फर्क ही नहीं पड़ रहा। दिस इज लाइफ, वन लाइफ। कोलकाता मेरा शहर, मेरा देश, ऑब्वियसली नंबर वन, लेकिन इट्स टाइम टू गो टू दुबई एंड शो यू सम क्रेजी क्रेजी कंटेंट। पार्किंग यार, पार्किंग बचाना कौन नहीं चाहता। अरे अरे अरे, ओ माय गॉड, फाइनली गॉट इट गाइस एट द एयरपोर्ट राइट नाउ एंड आई विल स्टार्ट द व्लॉग अ बिट लेटर। आई एम अ लिविंग लेजेंड, यू एंट हर्ड येट, यू नॉट गेट द मैसेज फ्रॉम द मोमेंट दैट आई स्टेपिंग इन आई गेट अ कपल वेपन्स या टर्न टू अ बेस्ट व्हेन आई एम रैपिंग। आई एम अ लिविंग लेजेंड, again a pro was saying no was saying to go and get me loaded in and know a face what a sucker saying get close and no a chance I'm gonna win my flow is so much dope and then and over yeah all my loaded we go again it's going on and on